विनीता को बचपन ही से एक चीज का शौक था, वो शौक था कार का। विनीता बचपन ही से गरीब थी और वो हरदम सोचती रहती थी कि वो कब अमीर होगी। और उसने खूब मन लगा के पढ़ाई की और उसने डिग्री हासिल की और उसे सरकारी जॉब भी मिली और एक उसकी तरफ से एक कमरा भी मिला और एक गाड़ी भी मिली। वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो चुका था। वो सोचने लगी रात को मैं लॉन्ग ड्राइव जाऊंगी। वो लॉन्ग ड्राइव गई। लॉन्ग ड्राइव के आधे रास्ते पर ही उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो मशीन चेक करने के लिए जैसे अंदर झांकने गई तो उसने देखा एक चुड़ैल अंदर बैठी, वो टच करती है और पीछे गिर जाती है। पर उसने जब डिक्की में ध्यान से देखा तो उसमें मशीन ही होती है और उसे ठीक करके वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है तो देखती है विंडो में एक लाल साड़ी पहने हुए पीछे वाले सीट पर एक औरत बैठी है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, तब उसका कोई नीचे से पैर पकड़ के खींचने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर से गाड़ी से उतर कर सांस लेने लगती है जोरों जोरों से और फिर से गाड़ी के अंदर बैठ कर गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी पीछे वाली डिक्की से धम करके आवाज़ आती है। वो पीछे जाके देखती है तो उसमें कुछ लिखा होता है और एक किसान का कटा पैर उस डिक्की में गिरा, उस पर लिखा होता है ये गाड़ी मेरी है, चली जाए यहाँ से वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वो गाड़ी लेकर वहीं पर रख देती है। और क्या हुआ था उसके साथ उस रात, श्रेया ने कभी गाड़ी की डिमांड की भी नहीं। अभी किसकी थी वो गाड़ी? और उसके बाद श्रेया बहुत डर के रहने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Mm-hmm.